तो चलिए आज हम अपने इस कक्षा का अगला सूत्र लेते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा था, एक एक अक्षरों के बारे में। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें हम और अधिक गहराई से समझेंगे वो अक्षरों को। मैं एक बार पीछे वाला रिकॉल कर दूंगा ताकि आप लोगों को, जिन लोग को ना समझ में आए वो लोग भी इस पर समझ पाए। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। हम देखेंगे उस चार्ट को जिसमें हम लोगों ने अक्षरों के विज्ञान को देखा है। पहले उसे एक बार देख लेंगे, फिर उसी का एक नया वर्जन जो आचार्य जी ने डेवलप किया है उसको भी हम देखेंगे, तो उससे हम दोनों को क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, पहला तो मैं इस चार्ट की बात कर रहा था। इसमें क्या था कि जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि स्कूल में टीचर्स अ से अनार, आ से आम ऐसे कहा जाता था, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं था कि ये जो अ आई बोली गई है ये वास्तविकता में पूरे के पूरे पंच तत्वों से जुड़ी हुई है। प्रत्येक एक अक्षर है, जैसे अ अक्षर है और ये अ से लेके अह तक ये सारे 16 अक्षर है, ये हमने पढ़ा था विशुदा के चक्र में आते हैं, यानी कंठ में आते हैं। अब कंठ में आने के बाद भी इनका क्रम देखिए, जैसे मैं बात करूं अ की, अ और आ नीचे ऊपर, ये दोनों ही वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वायु। और ये जो ई है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये छोटी री और बड़ी अरी यानी लघु और दीर्घ, ये जल तत्व का और ये आकाश तत्व का। तो आप ये देखेंगे कि प्रत्येक जो चक्र है उन प्रत्येक चक्र में ये वायु अग्नि पृथ्वी जल आकाश हो गए होंगे। तो आप घबराएंगे कि फिर उस चक्र का खुद का क्या अस्तित्व है। जैसे कि अभी मैं बात करूं अमेरिकन, तो मैं अमेरिका की बात करता हूं और अमेरिकन बोलता हूं और मैं वहां जाके जब लोगों से मिलता हूं तो अमेरिकन मुझे मिलेंगे, लेकिन साथ में जो यहां से इंडिया से चले गए थे बहुत साल पहले, दिखने में इंडियन है, हिंदी भी आती है और वो अमेरिका में रहने लगे और उनकी भारत की नागरिकता हट गई है या है ही नहीं, लेकिन वो वहां की नागरिकता है तो वो भी अमेरिकन है। एक नेपाली है वो भी अमेरिकन है। एक वहां से यहां से कोई पाकिस्तानी है वो भी अमेरिकन है। वो सब अमेरिकन है, लेकिन वो सब अमेरिकन के अंदर भी उनके अलग सब कैटेगरी है। मेरी बात आई समझ आपको? तो जो जिस देश में रहता है उस देश का वो निवासी हो गया, लेकिन वो अपने मूल स्थान से भी कनेक्टेड है। तो कंठ जो है, जो हमारा कंठ है मूल रूप से वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये हम लोग जानते हैं। उदान वायु आकाश तत्व का वहां प्रतिनिधित्व तो हो रहा है। आकाश तत्व उस कंठ की जगह का नाम है, यानी उसमें वो 5 तत्वों में से ये तत्व ज्यादा गहरा होगा, लेकिन उनमें पृथ्वी तत्व भी आएगा क्योंकि उसमें अ आ ई वाली है और वो पृथ्वी अग्नि ये सब चीजें भी वहां मिक्स होगी। अब आपको समझ में आया होगा कि वो सब चीजों को मिलाकर और वो काम करता है, लेकिन उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है जब वो काम करने लगता है और जब उसका मूल प्रॉपर्टी है वो फिर उस चीज से जुड़ जाता है। जैसे कि आप बात करते हैं अनाहत चक्र की, अनाहत चक्र का हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र वायु प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसमें जो बीज अक्षर आते हैं, आप यहाँ देखेंगे अनाहत चक्र में बीज अक्षर कहाँ से शुरू होते हैं, क से। हम लोगों ने पढ़ा था टोटल जैसे ऊपर में 16 है तो नीचे में क से लेके ठ तक, कंठ क से लेके ठ तक आते हैं। मैं याद भी करा दूंगा, जैसे कि हमारा गला है उसमें 16 अक्षर आ गए अ से अह तक, यानी सारी के सारे स्वर आ गए। और अगर मैं व्यंजन की शुरू करूं तो वो हमारे हृदय चक्र से शुरू हो जाएगा और वह क से लेके ठ तक आ गया, कंठ। और फिर मणिपुर चक्र में डफ, और स्वादिष्ठान चक्र में बल, ब से लेके ल तक। और जो हमारा मूलाधार चक्र है उसमें वश, व और श, श का मतलब तीनों श, ताले से दांते से मूर्धन्य से और वश, तो जो वश में करने वाला है सबको, और उससे ऊपर है बल, और उस बल से ऊपर भी है डफ, और उससे ऊपर भी है कंठ, और उससे भी ऊपर है 16 मात्रिकाएं। तो इस प्रकार से जब आप कोई भी अक्षर को देखेंगे तो वो अक्षर आप ऊपर से देखेंगे, जैसे कंठ मैं बात कर रहा था, क क से लेकर ठ में क आ रहा है, तो क खुद प्राण तत्व उसका वायु तत्व है, फिर ख इसका आपका अग्नि तत्व है। तो जब आप ख बोलेंगे
तो आपके अंदर अग्नि तत्व तो बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी, लेकिन ख कहाँ है हृदय में आपके अनाज चक्र में, तो अनाज चक्र में अग्नि बढ़ा देगा। आधी मत बात आपको समझ में आ, क्लियर हुआ? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ भैया, रही है? रात हो रही है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये याद रखना पड़ेगा हमको सब, राइट याद याद अभी आप ना, आप ये मत सोचे मुझे याद जी। करना, अभी आप एकदम समझिए, क्योंकि याद करने की अलग ट्रिक है, आप याद अलग मत, आप अभी पहले इसकी मैकेनिज्म को समझिए कि क्यों है ऐसा, उस पर प्रश्न करिए, ना समझ में आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी मैं उसको लेक्चर के रूप में नहीं ले रहा हूं, ये समझने की चीज है, इसलिए मुझे आप लोगों से बीच में पूछना ही पड़ेगा, और जहां आपको नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। यहां आप देखिए कि एक तो पहला ये देखते हैं कि जितने भी अक्षर है ना उनको यहां जचाए गए अ से लेके अ तक, और उनके बाद इनको 5 भागों में बांट दिया, उनका तत्व तो क्या है, तो वायु अग्नि पृथ्वी जल आकाश, ये 5 तत्व तो हो गए, और उनकी प्रकृति क्या है, वायु की प्रकृति अनिश्चित है, वायु किधर भी जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, कोई पता नहीं है, जैसे कि वायु से भरे हुए बादल, अब कल मेरे यहाँ बारिश हो सकती है, अनाउंस करेंगे लेकिन नहीं भी हो सकती। अग्नि का प्रकृति उष्ण, गर्मी, अग्नि होगी तो गर्मी होगी होगी, पृथ्वी की प्रकृति है भारी, पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है, वो खींचती है अपनी सब चीजों को अपने अंदर, तो चीजें भारी हो जाएगी, चंद्रमा पे जाऊंगा तो वहां वो भारीपन नहीं है, इसी प्रकार से कुछ और, मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं वहां पृथ्वी है ही नहीं, दूर दूर से पृथ्वी कनेक्शन नहीं है, तो मैं एकदम उड़ता रहूंगा, मैं जमीन ही नहीं है, पैर ही नहीं रख पाऊंगा। जल की प्रकृति शीतल है और आकाश मिश्रित है, आकाश में सब मिला हुआ है, आकाश के अंदर आप जाएंगे तो उसमें वायु भी होगी, उसके अंदर जलन अग्नि भी होती है, उसमें उल्का पिंड की तरह ये आपके पृथ्वी की तरह चीजें भी होती है, और आकाश में बादल होते हैं और वो जब एकदम ठंडे होते हैं तो उसमें शीतलता भी होती है, यानी आकाश में बहुत चीजें होती है। अब शरीर में इनके चक्रों की बात करें तो वायु चक्र का प्रतिनिधित्व अनाज चक्र करता है, अग्नि चक्र का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में अग्नि जो बढ़ती है वो मणिपुर चक्र से आती है, पृथ्वी तत्व का संबंध मूलाधार से है, जल तत्व का स्वाधिष्ठान में, और आकाश तत्व का विश्वदाख्य से है। शरीर में कार्य, वायु का काम क्या होता है, शरीर की मांसपेशियों का संकुचन, आकुचन संकुचन, यानी कि वो हमारे शरीर की मांसपेशियों को, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर से मशीन बनाते हैं ना, रोबोटिक जो चलते हैं, हाथ है प्रेशर है चल गया, गाड़ी है गाड़ी अपने आप गेट खुल गया, गाड़ी का अपने आप गेट बंद हो रहा है, ये जो चीजें होती है ना ये हम लोग बोलते हैं ये हम हाइड्रोलिक प्रेशर से करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में वायु होगी, गैस होगी, एक गैस इधर से उधर पास होती है और वो चीज काम करती है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो वायु होती है उसी से हमारा हाथ पैर चलता है, हम गति करते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ये सारा वायु तत्व से है। अग्नि, अग्नि जब नहीं होगी ना तो हमारी भूख नहीं लगेगी, अग्नि से ही हमें भूख लगती है, अग्नि से निद्रा आती है, अग्नि से प्यास लगती है, तो जब अग्नि नहीं होगी तो ये हमारी भूख यानी सुधा निद्रा और प्यास इस पे नियंत्रण आने शुरू हो जाता है। पृथ्वी, हमारी सारी त्वचा और रक्त इसका संबंध होता है पृथ्वी में, अगर पृथ्वी तत्व तो घट गया तो हमारी त्वचा भी गड़बड़ होने लगेगी, हमारा रक्त भी गड़बड़ होने लगेगा। जल तत्व तो शरीर के सभी द्रव्य यानी सारे लिक्विड, चाहे वो आपके शरीर का ब्लड हो गया हो या उसके अंदर अनेक अनेक तरह के हार्मोन्स हो गए, किसी भी तरह के आपके शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो रस है वो भी जल है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो जो हमारे शरीर में वीर्य और रज है वो भी जल है, तो ये सारे द्रव्य हैं। आकाश संवेग या वासना, जो हमारे अंदर विचार आता है, थॉट आती है, वासना आती है, ये आकाश तत्व से आता है। आकाश तत्व से संवेग का मतलब है बाह्य दबाव, एक एक झटके में एक आदमी बैठा और उसके अंदर एकदम गुस्सा आ गया हो या भयभीत हो गया हो, तो ये सब चीजें जो होती है ना जो एकदम अनायास हो रही है और विचारों की हो रही है, ये आकाश तत्व की, मानसिक रूप से जो काम हो रहा है ये आकाश तत्व का हो रहा है। अब इनका प्राण भी है, यानी 5 प्राण आपको पढ़ाए होंगे, नहीं तो आगे भी और भी पढ़ाए, मुझे लग रहा है क्लियर किया होगा प्राण, तो जो 5 प्राण है वायु तत्व में प्राण महत्व है, 5 प्राण में जो मुख्य प्राण है
अग्नि अपान से संबंधित है, पृथ्वी व्यान से संबंधित है, जल उदान से संबंधित है और आकाश समान से संबंधित है। अब जब आप इस अक्षर को देखेंगे, ये अ अक्षर, तो अ अक्षर किसका है? अ अक्षर प्राण है, वायु तत्व है, अनाहत चक्र में ये अधिक गहरा काम करता है और ये इसका इसका प्राण प्राण है। इसी प्रकार से अ आ दोनों ही प्राण है, छोटी ही बड़ी दोनों ही अपान है, अपान वायु है दोनों की, और छोटा हु और बड़ा हु ये दोनों ही व्यान में आता है, पृथ्वी तत्व है। अब एक चीज यहाँ समझनी है हम लोगों को कि इसका सीक्वेंस ऐसा क्यों है, जो बोलते तो हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो ये ऐसा सीक्वेंस आ रहा है कि वायु अग्नि पृथ्वी जल और आकाश, ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि जब इसका फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन का मतलब होता है इसकी जो बनावट हुई है वो इसी तरीके से हुई है कि समान से उदान, उदान से व्यान, व्यान से अपान, अपान से प्राण। जब आपको डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व का मतलब है कि अभी जैसे स्वाध्याय चल रहा था तो एक प्रश्न आया था कि जब प्रकृति को हम सम अवस्था में ले जाते हैं, सम अवस्था का मतलब उसको हम लोग उसकी जो सम्य थी उसको हम वापस सम्य ले जाएं, यानी सबको वापस समान कर दें, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। और प्रकृति को बनाना है तो प्रकृति के जो जितने भी द्रव्य हैं, जो हमारे प्रकृति के एलिमेंट है, उनको कम ज्यादा कर दीजिए, मतलब पृथ्वी को बढ़ा दीजिए, अग्नि को कम कर दीजिए तो कुछ और बन जाएगा, पृथ्वी अग्नि और वायु को मिक्स कर दीजिए कुछ और निकल के आएगा। मतलब ये कंटेंट्स है, इन कंटेंट्स को जब आप किसी को ज्यादा किसी को कम करेंगे तो कुछ और बन बन के आएगा, नई नई चीजें बन बन के आएगी, अलग अलग चीजें बन के आएगी, कई फॉर्मेशन बन के आएगी, अनेक अनेक चीज आएगी। लेकिन जब उनको सबको समान कर देंगे, एक जैसा कर देंगे, तो सब डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ये इसका विज्ञान है। तो जब हम इसको समान करने जाएंगे तो क्या है, प्राण को समान में ले जाना है, तो पहले क्या करते हैं, प्राण का आहुति या प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, ये इसका क्रम है। यानी प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, उदान को समान में ले जाया जाता है। ये आपको शायद एक ऐसा कंटेंट्स भी आया होगा जिसमें याकवल्य ने पूछा, अगर तुम मुझे प्राण के बारे में बता दो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा धड़ या तुम्हारा सिर है वो धड़ से अलग होके गिर जाएगा। तो उसने उसका प्रश्न बताया था कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो उन्होंने कहा प्राण को अपान में, अपान को व्यान, व्यान में उदान, उदान को समान में डाला जाता है। ये डिजोल्व करने का तरीका, डिजोल्व करने का मतलब है कि अगर आप प्राण की सारी ऊर्जा को अपान में जोड़ देंगे और अपान को फिर आप व्यान से जोड़ देंगे, यानी सारा खत्म कर देंगे व्यान में ले जाके, फिर व्यान को उदान में और उदान को समान में, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मतलब डिजोल्व हो जाएगा। तो जो गड़बड़ हुई है, जैसे आपने मोबाइल लेके आए और मोबाइल लाके उसमें बिगाड़ दिया, आपने कंप्यूटर लाके बिगाड़ दिया, अब आपके संभल में नहीं आ रहे, अब कंट्रोल से बाहर हो रहे, तो क्या करना है भैया, फैक्ट्री मोड पे ले आओ, रिसेट कर दो। तो रिसेट करने का तरीका जैसे वो आया था वापस वैसा बना दो, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा, नया हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो मेमोरी वो भी चली जाएगी। बोला कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को कोई झंझट नहीं है, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं रोकना। तो व्यक्ति वो डिसॉल्व करता है, अपना सब कुछ खत्म कर देता है और एकदम फ्रेश हो जाता है। तो वो फ्रेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राण को अपान, अपान को व्यान, व्यान को उदान, उदान में समान में ले जाना पड़ेगा। और यही क्रिया होगी जब आप वो जप करेगा, ध्यान करेगा, तो किस चक्र को क्या ज्यादा महत्व दे रहा है उसी से वो सब चीजें ठीक होगी। और इनमें से कोई एक तत्व ज्यादा हो गया और कम हो गया दूसरा, तो शरीर में रोग आने, शरीर में बीमारी आती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, यदि आप कोई एक अक्षर ले लीजिए, जैसे अगर आप ई की बात करिए, छोटी ई बड़ी, आप बार बार उसका उच्चारण करिए, बार बार ध्यान करिए, तो क्या होगा, आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाएगी। छोटा वो बड़ा वो पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, छोटी री बड़ी री जल तत्व को बढ़ाता है, और ये जो री और री है ये हमारे आकाश तत्व को बढ़ाता है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो ये देखेंगे एंग और ये वाला, ये जो अपना एडी वाले एंग और अक्षर है, ओ और औ है, और अंग और अ है, ये सब सारे के सारे हमारे इससे जुड़े हुए हैं, समान प्राण कपल से। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क से, तो क और ये ख, अब ये मैं इसको अब आपको उस चार्ट में समझाऊंगा ना और क्लियर हो जाएगा, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो क अक्षर है, ये ख है, ये एक्चुअल में एक एक करके उनका चेंज हो रहा है। ये वायु आ रहा है, ये अग्नि आ रहा है, ये पृथ्वी आ रहा है, ये जल आ रहा है, ये आकाश आ रहा है, फिर नीचे
ये वायु, फिर ये अग्नि, सॉरी ये वायु है, फिर ये आपका अग्नि है, फिर ये आपका पृथ्वी है, ये फिर जल है, ये आकाश है। तो पृथ्वी इन सब के बीच में, आपको मैं वैसे बता दूं, पृथ्वी बीच में, पृथ्वी के पास में दो चीजें हैं, अग्नि और इधर जल, और दोनों दो चीजें जो मूल रूप से अलग अलग है लेकिन एक दिखते में एक जैसी है, एक है वायु और एक है आकाश। तो ये पृथ्वी के उस दोनों छोर पर है, पृथ्वी के एकदम नजदीक छोर पर अग्नि और जल है। यानी पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? मूल रूप से पृथ्वी का निर्माण अग्नि से हुआ, सूर्य से निकल के पृथ्वी बनी। अगर आपको देखना हो तो नेट पे सर्च करना, यूट्यूब एक वीडियो क्लिप भी है, कई बार मैं अपने उस क्लास में काम में दिखाता हूँ, जिसमें पृथ्वी के निर्माण की प्रकृति, हाउ अर्थ क्रिएट, कैसे बनी, तो पूरा एकदम उसका डिजिटल 3D एनिमेशन है। पृथ्वी एकदम गोला थी, आग का गोला, और वहां सूर्य से निकल के अलग हुई, कई दिन तक, कई कई सालों तक वो जलती रही, फिर वो ठंडी हुई, फिर जब वो ठंडी हुई तो पूरा जल ही जल बन गई अग्नि, वो जल से, फिर वो जल धीरे 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 जमते 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 पत्थर की तरह बनने लगा, यानी फिर हमारे यहाँ पृथ्वी बनी, और फिर उस पृथ्वी के अंदर फिर उससे गैसेस बनने लगी, और फिर वो काम हम जीवन जीने लगे। तो ये पृथ्वी के दो आसपास की चीजें हैं, अग्नि और जल रहेगी, और वायु और आकाश उसके पास में रहेंगे, बीच में पृथ्वी है। अब आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, याद भी हो जाएगा आपको कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, और भी बहुत सारे तरीके जो हम लोग अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अभी यह एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ये अक्षर है, ये मूल रूप से जब आप उसका उच्चारण करते हैं, अगर आप वो क को ही लेके पकड़ के बैठ गए तो आपके शरीर में प्राण भर जाएगा, अनाथ मात्रा में, जबरदस्त। इसी प्रकार से अगर मैंने, हम लोगों ने कई बार देखा है, कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका उच्चारण करके देखा तो पता लगा उससे वो की वो चीज बनने लगी। तो अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये अक्षरों का संबंध प्राण से है। ये क्लियर हुआ अभी? जी भैया। अगर ये क्लियर हुआ तो हम आगे आगे ले सकते हैं। हाँ जी सर। चलिए फिर हम आगे एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे, उससे फिर आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम वर्ण विद्या का चार्ट बनाए, जैसे कि आप लोगों को आचार्य जी ने बताई भी है, वो मैं खोल लेता हूँ। वर्ण विद्या के चार्ट में क्या होगा, आपको और चीजें क्लियर होगी, थोड़ी बड़ी फाइल है और खुलने में थोड़ा, उसको हाई रेजोल्यूशन की फाइल है, फाइल तो खुल गई। चलिए मैं आपके साथ शो कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, देखिए इस फाइल को देखेंगे जो हमारी वर्ण विद्या की फाइल है। आप लोगों ने पहले देखी होगी, नहीं देखी है, वो फाइल अलग थी जिसमें बीच में ओम था और अक्षर है। अब मैं इसे जूम करता हूं, आप देख रहे होंगे उसमें भी ओम था और फिर गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, यहां तक हमने बात की। अब बात करते हैं ये जो हमने यहां हमने छोड़ा था पिछली बार बात, कि अ क च ट त प य श क्या है, याद है आपको? यहाँ हम लोगों ने बात की हृदय चक्र का, हम हृदय चक्र के दो घेरे हैं, दो विलय है, एक विलय आंतरिक है यानी अंदर है, उसमें हमने पढ़ा उसके अंदर ह और स दोनों आपस में हंस बनते हैं, हंस से सोहम बनता है, सोहम से ओम बनता है, ओम से अउम बनता है, और इसी अउम से ही भूर्भुवः स्व, और यही भूर्भुवः स्व गायत्री के 24 अक्षर बनते हैं, तस सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, एक टुकड़ा धियो यो न प्रचोदयात्, दूसरा टुकड़ा, और यही तीनों टुकड़े फिर तीन वेद बनाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद उपवेद है, इन्हीं वेदों का उपवेद है, मेन तीन वेद आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये तीन वेद इसी अक्षर से, इसी ऊर्जा से बाहर के रूप में आए। ये यहां तक का जो क्रिया है ना, यहां तक की जो चीज है ना, ये हृदय चक्र का एक घेरा हुआ। हृदय चक्र का दूसरे घेरे में क्या आता है, आठ अक्षर आते हैं, अ क च ट त प य श। अब आप देखिए यहां से ये जो अ है ना, ये अ क च ये सारे के सारे उस टेबल में, आप जब देखेंगे उस टेबल को देखेंगे तो ये सारे के सारे उस अ के पहले पहले हैं, अ आ ई 16 अक्षर होते हैं ना, उसका एक पहला उठा लीजिए, यानी उस टेबल को मैं वापस दिखाऊं, चलिए मैं उसको वापस दिखा देता हूँ, उस टेबल को आप देखेंगे ना तो आपको देखेगा उस टेबल के पहले पहले जो अक्षर है, जिनको हम इंजन कहते हैं, जिनको ऐसा बोला जाता है कि ये क वर्ण अक्षर, च वर्ण अक्षर, आप लोगों ने ऐसा कई बार बोला होगा, ये सारे वो हैं, क अक्षर,
वर्ण अक्षर, मैं उसको अभी स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ उसके साथ, तो आपको एकदम वो भी वापस दोबारा उसको कोरिलेटेड करता हूं। ये ले लेते हैं। अब आप देखिए, अब आप जब उसको देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि देखिए ये वायु तत्व और इसका पहला अक्षर अ मैंने ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया, अ आ गया तो सब आ गए। इसके बाद फिर इस वायु को और नीचे आइए, ये क अक्षर, तो अ के साथ क आया हुआ है वहां पे, च अक्षर, इन्हीं पूरा च छ छ। आप ये देखिए, ये बोलेंगे ना जब च छ ज झ इया, ये सारे च अक्षर के, इनको मतलब बोलता है च के फैमिली वाले हैं, इनका मेन आगे आगे च आ गया, ये साथ साथ में बोलने वाले हैं। इसी प्रकार से ट वर्ण अक्षर, तो ट बोले जाता है, ट ठ ड ढ ण, ये सारे ट वर्ण अक्षर के हैं। इसी प्रकार से त, मतलब जब आप उसको बोलेंगे तो आपकी जीव दांत के पास टच होगी, त थ द ध न, ये सारे के सारे अक्षर त वर्ण अक्षर। फिर प प फ, ये होठ होठों से टकराते हुए बनेगा, प फ ब भ म। इसी प्रकार से ये सेमी वोवल, यानी बोला जा रहा है और हमारे होठ तालव्य कुछ नहीं मिल रहे, लेकिन आवाज अंदर से आ रही है। जैसे य, तो मैंने ना तो होठ टकराए ना ही मेरी जीभ तालू से टच हुई, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। र ल, ये ल थोड़ा सा सेंटर में आता है, व श, ये सारे अक्षरों में जो य अक्षर है ये आ गया। तो अब यहां हम वापस आके देखेंगे तो जो हमारा हृदय चक्र है वो इन सभी अक्षरों का शुरुआत करने का, यानी ये उसका मास्टर है। हृदय चक्र मास्टर का मतलब है, मैं उसको वापस अब हृदय चक्र को दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग उसको कर लेता हूँ तो फिर समझ में और आ जाएगा। अब आते हैं इस स्क्रीन पर, मैं बंद करूंगा नहीं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप देखिए, अ अक्षर अ किसमें, अब इसको इसी को उठा के आप बड़े करके देखिए, ये अ ऊपर आ गया, अ आ ई, ये 16 अक्षर और ये विशुदा के चक्र यानी कंठ बन गया। फिर आइए, अब आगे आते हैं क, ये मैंने कहा था ना हर एक का पहला पहला अक्षर ले लीजिए, क, तो क उठ के यहाँ आ गया और क से ये कहाँ हो गए, अनाहत चक्र का बन गया, और अनाहत चक्र के ये कंटिन्यू बना गया, उसमें क भी आएगा और च भी आएगा अनाहत चक्र में। तो आप ये देखिए, च कौन सा है, ये पहला पहला अक्षर है, यानी उस च वर्ण अक्षर का पहला पहला है, और फिर ट भी आएगा क्योंकि ट भी उसका पहला अक्षर है। तो ये क च ट ये सारे के सारे अनाहत चक्र में आ गए। अब बात करते हैं इसमें, अगर आप ये बोलेंगे अ क च ट, अ क च ट, तो आपका अनाहत चक्र सक्रिय होगा। फिर बात करते हैं त अक्षर, तो त अक्षर का ये जो ड ढ ण त थ ध द न, यानी मणिपुर चक्र का निर्माण हो रहा है, मणिपुर चक्र को ये सक्रिय बना रहा है। तो ये मणिपुर चक्र में 2 अक्षर आ गए, एक तो आ गया त एक आ गया प, आप देखेंगे ये दोनों का मणिपुर चक्र बन रहा है। फिर उसी प्रकार से जो हमारा य अक्षर है, जो हमने अभी पढ़ा था य र ल व, तो य उसका पहला अक्षर आ गया, ये पहला अक्षर स्वाधिष्ठान चक्र का बनाता है। और एक आ गया मूर्धन्य श, मैंने बताया ना नीचे जो आता है नीचे मूलाधार में एक व और तीनों तरह के श, उसमें मूर्धन्य श ये वाला जो श है ये मूलाधार चक्र में आता है। और अब बात करते हैं ऊपर में आज्ञा चक्र में, तो हृदय चक्र से कोई भी डायरेक्टली आज्ञा चक्र में नहीं है, लेकिन है एक अक्षर, वो कौन सा अक्षर है जो आज्ञा चक्र को कनेक्टेड करता है, आज्ञा चक्र को प्रकाश देता है। तो आप ये समझिए कि ये जो हृदय चक्र है जिसका पहला अक्षर ले लीजिए क और अंतिम ले लीजिए श, पहले अक्षर और अंतिम अक्षर को लॉक कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तो क्या अक्षर बनता है कोई बताएगा? क और श को दोनों को मिला लेते तो नया क्या अक्षर होता है? कक्षा कक्षा क और श आता कक्षा कक्षा का क्ष जो है ना वो है ना, क्षत्रिय अपना अब ये अब ये अब क्षत्रिय आता है ना, अब ये छह देखिए, ये यहां मैं इसको जूम करूंगा तो पता लगे, ये छह आपको आज्ञा चक्र में मिल जाएगा, ये रहा वो छह, ये वो छह कक्षा वाला छह, और जूम कर देता हूँ इसमें तो ये यहाँ थोड़ा सा फट रहा है,
ये देखिए ये छ और ये आज्ञा चक्र में आ रहे हैं, दिख गया आपको? हाँ दिख रहे हैं, ये आज्ञा चक्र में आ रहे हैं छंकार। तो कहने का मतलब है कि जितने भी अक्षर है ना, ये अक्षर हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। अब बताइए मुझे, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक कोई आपका डाउट है तो, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे ना, किसी भी बीमारी का ना एकदम निदान हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से उसके शरीर का बीज है। अगर वो शरीर गड़बड़ है तो उस अक्षर से अगर वो व्यक्ति जप करे, उस अक्षर को काम में लेते हुए, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रश्न है तो। अरे भाई मुझे बताइए कि किस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है, नहीं तो मैं और इसको स्लो स्पीड करूं, और तरीके हैं मेरे पास। मैं हाँ थोड़ा भैया, जल्दी चल रहा हूं तो कि आप सर लोगों, जी ये तो एक एग्जाम्पल आपने अच्छा समझाया। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन एवरी, हमको एक एक अक्षर पे वर्क करके और निकालना है कि कौन सा किससे कनेक्टेड है, देन वी विल अंडरस्टैंड बेटर। आई हाँ थिंक या आ वी कैन डू दिस, जाएगा, वी कैन डू वो दिस भी एज आएगा। होमवर्क पहले अभी, मे पहले जो अभी बी। सुनीता जी, अभी जो पहले ना ये देखिए कि इसका विज्ञान समझ आया ना कि अक्षर और हमारे चक्रों का संबंध है। मैं पहला ये समझाना चाह रहा हूं, वो क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल। किन्हीं का और कोई प्रश्न है तो पूछे इससे में। जी भैया, आपने यहाँ पे बताया कि इस अक्षर पे ध्यान करते हुए जाप करना है, तो अपन तो अक्षर पे ध्यान नहीं करते ना, हम तो चक्रों पे हाँ ध्यान मत करते कर, हैं। हाँ चक्रों पे ध्यान करिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना? चलिए मैं करके दिखाता हूं। अभी 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 हम 5 मिनट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? जी जस्ट अ मिनट, मैं एक स्क्रीन खोलूंगा फिर बात करेंगे। अभी इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं एक स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? आपको मैं ये कहना जी चाहता हूं, ये स्क्रीन साफ साफ अच्छे से दिखाई दे रही है? जी भैया, जी भैया, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ तो, और मतलब सही कर देता हूँ मैं इस पे आ देता हूं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो ये जो ये अपना, आपने बोला ना मुझे अक्ष उसका करना है, किसका? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको कहते हैं अनाहत चक्र। लेकिन ये ऊपर विशुद्धा की और ये वाले चक्र हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना, केवल अनाहत चक्र पे ध्यान देना है थोड़ी देर के लिए। चलिए अब इसे थोड़ा और हल्का एक्सरसाइज करते हैं, इसको और थोड़ा इफेक्टिव बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन आपको ये जो अक्षर लिखे ना, क ख ग ग, इनको नहीं देखना है, आपको इस य को देखना है, केवल य। बाहर जाएगा आपका, लेकिन
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बहुत, अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई और बताएगा? अभी नहीं, बहुत भी तेज आ रही कटके है? आ रही थी भैया। अरे वाह, आपने आप बता दिया, मैंने अभी बोला भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ना अपना ध्यान, अब आ रही है ना क्लियर? मैं आगे शुरू करूं? मैं शुरू करूं आगे? जी जी अब आपको य के, य में भी नहीं जाना है, आपको य का इस बिंदु पे जाना है। ना य को देखना है, ना उसके आसपास में जो ये अक्षर है उनको उस पे जाना है। जो य और उसका जो एक घेरा बना है, स्टार बना है, इसके अंदर ये जो छोटा सा बिंदु है इस पे जाना है। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं, अब हम तीनों का आपसे आंकलन पूछते हैं। एक हमने एकदम डीप में एक बिंदु पे किया, एक हमने य पर किया, एक हमने अक्षरों पे किया, और एक हमने बाहर चक्रों पे किया। इन तीनों में सबसे ज्यादा एकदम गहरा ध्यान आपके अनाहत चक्र में किस में हुआ? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? मैं तो द ग्रॉस वन, द वन विथ ऑल द अल्फाबेट्स, या अच्छा, और कोई बताए? यह पे देख रहे थे तो सब कुछ यहाँ दिख रहा था, फिर बिंदु पे देख रहे थे तो यह भी दिख रहा था ऐसे। लेकिन आपने गौर किया होगा, जब आप बिंदु को देख रहे तो यह दिख रहा था, लेकिन ये जो क ख ग ये हट गया। वो हट गया। जी जब क ख ग पे ध्यान दे रहे थे हम, यानी उस पे हम फोकस कर रहे थे, तो साइड में ये अनाथ चक्र ऊपर, ये ऊपर विशुदा के चक्र, ये भी आ रहा था। वो भी दिख रहा था, करेक्ट। तो इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए कि जब आपको किसी चीज की एकाग्रता बढ़ानी है, किसी चीज पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके माइक्रोज में और अंदर गहरा जाना पड़ता है। जब अभी आप हृदय चक्र को पकड़ रहे हो और हृदय चक्र आपके पकड़ में नहीं आ रहे, आपको अनाज चक्र में जा रहे हो, अनाज चक्र पकड़ में नहीं आ रहे क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पकड़ रहे हो। अब आपको कहा गया उसके अंदर अक्षर में और चले जाओ, एक क में जाओ, ख में जाओ, तो आप थोड़ी देर के लिए वाक का ध्यान करेंगे, फिर हट गया, ख पे आएंगे, लेकिन आप इसी में घूमते रहोगे अनाथ चक्र में। आपका ध्यान ऊपर ल में और वहां नहीं जाएगा। मतलब किसी भी बिंदु जहां आपको ध्यान केंद्रित करना है, उसको जितना आप सूक्ष्म करते जाओगे, जितना सूक्ष्म करते जाओगी, आपका ध्यान उतना ही उस जगह पे ज्यादा लगेगा और उधर उधर भटकना बंद होगा। जब मैंने यहां कहा कि केवल आप अनाथ चक्र पे करो तो आपको बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब मैंने एकदम बिंदु पे पहुंच गया तो आपको आसानी हुई, क्योंकि बिंदु से आप य में और क ख में, लेकिन थे अनाथ में, अनाथ से बाहर नहीं थे, लेकिन केवल अनाथ को देख रहे थे, अनाथ से बाहर भी आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो मन है वो भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। मन की जो सीमा है उसको बांध देना ही ध्यान है, और बांधते जाओ और छोटा करते हो, इधर उधर सब हटाते जाओ, तो जब एकदम जीरो पे आ जाता है ना, तब तो वो एकदम एकाग्र हो जाता है, शून्य हो जाता है, और शून्य को ही इन्फिनिटिव बोलते हैं। शून्य ही परम तत्व है, और जब वो शून्य में पहुंच जाता है, इन्फिनिटिव पहुंच जाता है, फिर वो सारा खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्यों अक्षरों को कहा जा रहा है। आपको पहले चक्रों को कहा, चक्रों से जब अक्षरों में जाएंगे तो चक्र और अच्छे से गहरे से ध्यान में आएंगे। अब क्लियर हुआ जिनका ये प्रश्न था? सुनीता जी, या आई गॉट इट। सो बेसिकली मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना है ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स, व्हाट एवर यू सेड, लाइक द अल्फाबेट्स और य और बिंदु। अब आपको एक राज की बात और बताते, जो मन है ना वो गति करता है, और वो गति करता है प्राण से। मतलब मन को जैसे आपने इच्छा डाली कि मैं उधर जाऊं, तो कई आप लोग कई बार देखिएगा कि आपको पता है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन क्या कहते हैं, हमारा मन ही नहीं, मतलब हमारे मन एकदम उधर चला गया, हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हमने वो काम किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन वहां जा रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे, और रोकने का काम किसका है?
रोकने का काम प्राण का है। प्राण वेगवान होता है, मन को पकड़ के लाते हैं। प्राण आपके नियंत्रण में नहीं होता है तो मन उधर उधर चला जाते हैं। तो बेसिकली जब आप मन को एकाग्र करने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए प्राण चाहिए। और जो प्राण होता है ना वो अक्षरों से आता है। किसी भी अक्षर को आप लेंगे ना तो उसका एक प्राण होता है। मतलब अक्षर वास्तविकता में क्या है, प्राण ही है। और प्राण का एक आकृति स्वरूप है, जैसे मैंने क बोला तो क अपने आप में एक प्राण है और उसका अपना एक एक तरीका है काम करने का। ख भी अपना एक प्राण है, ख अपने आप केवल अक्षर नहीं है, ख अक्षर में प्राण है, उसका अपना तरीका है। तो जब मैं उस अक्षर पे आता हूं तो वैसा प्राण आने लगता है और जैसे ही वो प्राण आता है उस चीज को पकड़ा जा सकता। अनिरुद्ध जी आपका माइक चालू है, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध शर्मा जी, हाँ तो माइक बंद करिए ना, वरना हमें पंखों की और रेलगाड़ी की आवाज आ रही। मैं एकदम साइलेंट चाहता हूँ, मैंने मेरे अपने पंखे और कूलर और ये सब बंद कर रखा है ताकि आप लोगों को एकदम साफ सुने। आप बताइए, आप लोगों में से किसको अभी तक समझ में नहीं आई ये बात? किसी का जवाब नहीं आ रहा, मुझे ही रैंडमली पूछना पड़ेगा। मन को जैसे हम बोलते हैं इट्स अ वाइल्ड हॉर्स, राइट? सो दैट्स व्हाट यू मीन टू से। उस हॉर्स की उस जो घोड़ा है उसकी लगाम तो चाहिए ना, ये लगाम प्राण से आता है और प्राण से आता है और उस प्राण को पकड़ने का काम अक्षर करते हैं। ओह गॉट इट। हाँ, तो मतलब जो जैसा कोई अक्षर, आप जिस अक्षर को बोलेंगे ना आपका शरीर में प्राण वैसे काम करने लगे। मनोज जी ने तो मिस कर दिया पूरा, सुबह उसको जोड़े भी था, हमने देखा सुबह आचार्य जी के साथ ध्यान करते ना, आचार्य जी एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब जैसे अगर उन्होंने क ले लिया ना तो आप ये मतलब क को उन्होंने पकड़ के बैठ गए, घंटा दो घंटा क को ही लिया हुआ, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो क्या होता है, एक फोर्सफुली एनर्जी बनती है क की और वो एकदम धकेलती है पूरे क को, पूरे शरीर में क को, और फिर वो क कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे काम कर रहा है सब दिख के आता है, क का परिचय बढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है अच्छा क भी है। तो किसी भी चीज को बढ़ाना होता है, जैसे आपको ये समझिए कि आपने ऐसा अभ्यास कर लिया मंत्र से कि हर अक्षरों पे आपकी कमांड आ गई, तो जिस समय जो चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए हमें जल तत्व की जरूरत है, तो फिर जल तत्व की ऊर्जा को हमने याद किया, जल तत्व बढ़ गया। अग्नि तत्व की ऊर्जा को याद किया, अग्नि तत्व बढ़ गया। आदिवासम तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यार ये जो ऋषि थे ये जादूगर थे, मतलब इनके पास अद्भुत शक्तियां थी। बेसिकली ये जो सारी शक्तियां ना इन्हीं अक्षरों से बनी हुई थी, क्योंकि अक्षर यानी इन्हीं अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षरण ना हो। पूरा विश्व जगत है ना जब एकदम स्वा हो जाएगा तब भी अक्षर रहेंगे, और किसी ने इन अक्षरों को अपने जीवन में ले लिया तो ये वापस नया सृष्टि निर्माण कर सकते। ये निर्माण की प्रक्रिया है, जो इन अक्षरों को जान गया ना ये वो उसकी परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए इतने हजारों साल बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति को कितने तरीके से तोड़ने का प्रयास किया फिर भी वो खड़ी हो जाती। ये जो विज्ञान है ना ये उसका मूल विज्ञान, ये गूढ़ विज्ञान है, ये ब्रह्म विज्ञान है। इसीलिए हर एक को ये नहीं दिया जाता था, ये भारतीय संस्कृति का वह विज्ञान है जिससे आप पूरी दुनिया को दोबारा बना सकते, दुनिया में चेंजेस कर सकते। अब इसका विनाश नहीं होगा, इसको गुणों से जोड़ दिया तो इसका कोई घातक परिणाम नहीं आ पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब चीजों को गुणों से जोड़ दिया, लेकिन हमें जानना होगा कि कैसे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने कहा भी ये गुरु से जप कर रहे हैं फायदा कैसे हो रहा है, तो आप मंत्र चिकित्सा कर रहे हो, साइंस समझ रहे हो, तो उस साइंस को समझने के लिए आपको इन अक्षरों को समझना पड़ेगा। ये उसका विज्ञान है पीछे। आप नहीं भी जानते हो, नहीं साहब मुझे डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पता, एक गांव का आदमी आया, साहब मुझे नहीं पता डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, पहले मुंह में स्लाइवा बनती है, लार बनती है, फिर वो गले में से जाके एसोफेगस से अंदर पेट में जाता है, फिर वहां थोड़ी देर वो वहां HCL बनता है, HCL उसे एकदम एकदम उसको खाने को एकदम लुब्रिकेट कर देता है, एकदम उसको लुद्दी बना देता है, फिर वो एकदम स्मॉल इंस्टेटाइल में जाता है, फिर वहां से उसका रस निकाल लेते हैं, फिर वो लार्ज इंस्टेटाइल में जाता है, फिर वहां से
वो सारा मल इकट्ठा करके और फिर एनस से बाहर आ जाता है. इट इज योर डाइजेस्ट सिस्टम. तुम समझ गए? वो कह रहा मुझे नहीं पता आपने जो समझाया, मुझे तो पता है मैं रोटी सब्जी खाता हूँ, पच जाती है, आनंद आता है. ठीक, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप इसे नहीं भी जानोगे ना तब भी ये काम करेगा. मेरे कहने पर ये काम करेगा ये नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में होगा ये वैसा ही काम करेगा जो ये बना हुआ है इधर उधर से नहीं. जानने से क्या होगा, आपको उसका विज्ञान पता रहेगा कि अच्छा डाइजेस्ट सिस्टम ये होता है. कभी कोई गड़बड़ी हुई तो आपको पता लगेगा अच्छा इस वजह से गड़बड़ी हुई. आप कोई डिस्कस करेंगे क्योंकि कोई ना कोई कारण होगा, कोई बीमारी का, कोई प्रॉब्लम का, किसी भी प्राण का, तो आपको एकदम कोरिलेटेड करेंगे अच्छा ये कारण है, इसीलिए इसे समझना जरूरी. अगर नहीं भी समझते ना, कोई केवल श्रद्धा रखता है और कहा ये विनियोग पढ़ो ठीक हो जाएगा, तो वो सोचते हैं चमत्कार है उनके कहने पर. वो चमत्कार नहीं, वो सारा प्राण उसका चक्र तत्व तो सब उसमें डाल दिया गया है, वो अपने आप रेगुलेट होके सीधा टप करते काम करेगा. लेकिन हम वैज्ञानिक बुद्धि से हम यहाँ सीखने के लिए आए तो हमें सीखना पड़ेगा ये कैसे काम करता है. अब आपको मैंने आज हृदय चक्र की फॉर्मेशन कैसे बनी और हृदय चक्र से सारे अक्षर, ये देखिए आप अब आप इसको यहां मैं इसलिए इसको लास्ट में ले आया. अब आप देखिए जो मैंने कहा, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए आपके पास, अगर नेट से उठाइए, कहीं से भी उठाइए, आप देखेंगे ना, अगर आप वहां देखिएगा ना तो आपको मिलेगा ये जो भी आपका विशुद्धाक्य चक्र कंठ है उनमें देखिए अ से लेके अह तक, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ, री री अल री अल री ए एन ओ ओ ओ अंग अह, ये पूरा का पूरा है. अब आप आ जाइए यहाँ क क ख ग घ, मैंने कहा था क से लेके ठ तक, तो क है इसमें, क है, ख है, ग है, घ है, अड़ है, छ है, छ है, ज है, झ है, इया, और ये आपका ट और ये ठ, ट य और ट और ठ है. फिर आप आ जाइए नीचे, ये हृदय चक्र हुआ, हृदय चक्र से ही सारा निकला. ये देखिए ये अ उठ के यहाँ से आया और ऊपर आके ये अ उठ के देखिए ये अब यहाँ से हृदय चक्र, पहले हृदय चक्र बनता है. हृदय चक्र कारण शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है बाकी चक्र, तो कारण शरीर से अ उठ के ऊपर आया और ये अ बनाता है, यहां से लेके आता है, इसको अब निर्माण करता है. फिर आप ये हृदय चक्र में वापस आइए, ये हृदय चक्र में क है, क लाल रंग का ये उठ के यहाँ आता है और ये अनाह, ये आपके अनाह चक्र का निर्माण करता है. फिर ये देखिए च, च का आपको लाइन बना के दिए, च उठ के यहाँ आता है, यहाँ च आ जाता है ये पूरा पूरा. फिर आपका ट, ट उठा और ये उठकर इधर से घूमते हुए ये इधर से होते हुए और ये आपका ये ट यहाँ आ जाता है अनाह चक्र में, ये ट का, ट की ऊर्जा वहां जा रही है. फिर ये त, त लाल रंग का ये लाइन आती है और ये नीचे में जाके और नीचे में मणिपुर चक्र के इस त अक्षर को बना देती है, ये त बन गया. प अक्षर है ये भी पर्पल कलर का, ये घूम के यहां से होते हुए और ये यहाँ है. इसी प्रकार से इनके कलरों का भी ज्ञान विज्ञान है, ये कलर भी है ना पूरे के पूरे उसके कारण है कि कौन सा ये येलो कलर है. अब ये देखिए ये अक्षर है, ये उठ के यहां से ये घूमते हुए और ये नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए और हम नीचे आते हैं तब ये यहाँ आपको मिल जाएगा प फ ब भ म य र ल, ये प फ यानी आपका ये य अक्षर इधर यहाँ ये अक्षर आ गया. ये कहा है मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में ये अक्षर आ गया. अब बात करते हैं ऊपर वापस आइए लास्ट इसका अक्षर छ, श कार देखिए, तो ये श कार इस तरह से घूमते 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 यहां से ये मूलाधार चक्र के अंदर आएगा, यहां जाके ये श. तो ये क्या करता है, ये सारे ये हृदय चक्र के आते हैं, हृदय चक्र सारे चक्रों का निर्माण करता है, यानी ये जो आठ अक्षरों का जो चक्र है ये सारे चक्रों का निर्माण करेगा. और ये सारे चक्र में है ना एक एक अक्षर है और एक एक अक्षर है ना कोई उसका प्राण है और कोई वायु प्राण है, कोई पृथ्वी प्राण है, ये सारे प्राण है. अब जब कोई इन सबको एक साथ लेके जब करेगा, कोई एक गुण गड़बड़े वो उसका ध्यान करेगा, वो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो, ये इसका हो गया. देखिए अब इसको सूक्ष्म कारण शरीर समझिए, आपका जो ये हृदय चक्र है ना ये कारण शरीर है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, इस कारण शरीर के प्रत्येक अक्षरों से इन इन चक्रों का निर्माण हुआ, ये विशुद्धाक्य स्वाधिष्ठान चक्र अनाथ चक्र निर्माण हुआ और इन इन कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ
और कारण से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। स्थूल शरीर का निर्माण कैसे, अब ये देखिए ये जो क है ना, ये क उठकर क्या बनाता है, ये क हमारी दाएं साइड की यानी राइट साइड की काक यानी आमपिट पे जाके काम करता है, ये इसका निर्माण करता है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, माँ शारदा का शरीर जो है ना वो उसके ये अक्षर यानी ये जो वात्रिका है ना वो माँ शारदा की है, और माँ शारदा का जो स्वरूप है ना वो पूरा विश्व जगत है, पूरा विश्व इसी से अक्षरों से बना है, और हमारा शरीर भी इन अक्षरों से बना है। अब जब हम इन अक्षरों से जुड़ते हैं ना तो विश्व की जो देवी है ना उससे जुड़ जाते हैं, परम तत्व से भी जुड़ जाते, क्योंकि परमात्मा के भी यही अक्षर जो हमारे पास है, बस हमारे अक्षर है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में है, हम उन्हें एक्टिव नहीं किए, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, हम उसे निष्क्रिय होके कर रहे हैं, वो अपने आप ही अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जब वो हमारे नियंत्रण में आता है तो फिर हम कनेक्टेड हो जाते हैं ईश्वर से, यानी हमारी बॉडी जागृत होके हमारा शरीर ही एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जो ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे अक्षर, जैसे अभी किसी के आंख में गड़बड़े, अगर मान लीजिए जब कोई बात होगी आचार्य जी आप लोग तो जब एडवांस में पढ़ेंगे, एडवांस में किसी की आंख में गड़बड़े तो आचार्य जी पूछते हैं दाहिने आंख में है कि बाएं आंख में, कान में गड़बड़े दाएं कान में है कि बाएं कान में, क्योंकि इन प्रत्येक का अपना एक अक्षर है, ये उ है ये छोटा उ है, तो वो उसका कौन सा गुण है उस गुण का जप कर लीजिए ठीक हो, उन्हें वो ये चीज याद है। अगर मैं बात करूं कि अभी मेरे कंधे में दर्द है तो कंधे का कौन सा है, दाया कंधा है कि बाया कंधा है, अगर बोलेंगे ना साहब मेरा दाया कंधा है जिधर हमारे यज्ञों को भी डाला जाता है, तो इसका बीज अक्षर है ल, ल बीज अक्षर जो है वो हमारे आता है स्वावलंबन गुण का, तो स्वावलंबन गुण का अगर जब करेंगे तो हमारे कंधों के दर्द या जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से र बीज अक्षर है ये आस्तिकता का है, तो आस्तिकता को ही ठीक करने के लिए काम करते हैं। हमें कैसे याद हो गया, इनकी कई कई दिन तक ये ध्यान हुआ जब हुआ, इनका कोरिलेशन देखा, ये काम कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें जब देखा तो पता लगा रहे तो काम कर रहा है। अब इसी से ये पूरा जो स्थूल शरीर है ना इसका पूरा का पूरा निर्माण इन्हीं अक्षरों से हुआ, ये ब भी, ये जो पेट का ये वाला हिस्सा भी बना है, ये आपके जो कोहनी बनी है कोहनी का भी इसी से निर्माण होता है, क ये ख ना ये कोहनी बनाता है, ये आपका जो ठ अक्षर है ना ये आपका राइट साइड का घुटना बनाता है, जिन्हें घुटने में प्रॉब्लम है वो इससे दाएं सही कर ये ठ का ध्यान केंद्रित करता है, अभी ध्यान ही करिए, जब ध्यान केंद्रित करता है तो वो ध्यान से वो उसी प्राण आता है और वो प्राण यहाँ आके काम करने लगता है। अब बताइए, अब आपको समझ आया नहीं, समय तो हो गया, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये अक्षर क्या है? बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट अभी तो मुझे लगता है कि एक I've gotten into the mode of searching more and more on this now। खंगालिए, आपको आपको साहित्य मिल जाएगा, अक्षमालिका एक उपनिषेद है, अक्षमालिका उपनिषेद, अभी मैं आपको मैंने तो उसको ना खोल के पढ़ाया नहीं, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को नींद आने लगेगी, उबने लगोगी, लेकिन मैंने वहीं से पढ़ के समझे, उसी के शब्दों से लेके पढ़े, श्लोक है उसका हिंदी है, श्लोक है हिंदी है, जब अब आप उससे पढ़ोगे ना जो आपको हमने चैप्टर 5 दिया है उसमें है अक्षमालिका, मैं पेज संख्या बता देता हूँ, आप जाएंगे ना वहां तो आपको एकदम वही कभी वो सब चीजें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये साहब हमने अपनी मर्जी से बना लिया, वो सब कुछ वहां से लिया गया है, बस थोड़ा सा उसको हमने आप बताने के तरीके कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी इसको जोड़ते हुए हमने उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया, बाकी चीज वही है जो मेन आप पढ़ोगे, अगर आप उसको और डिटेल्स में तो हम आपको केवल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी आपको जानकारी हो, अगर आप खुद वहां जाएंगे ना तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो अपनी कल्पना से आया हुआ, जो शास्त्र में दिया है उसी को यहाँ बताने का प्रयास किया जाए। तो आप पढ़िए उपनिषद पढ़ लीजिए, मिल जाएगा, अगर आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साहित्य को देखना चाहें तो वहां पे भी आपको ये गायत्री सावित्री की साधना मिल जाएगी, तो आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बदली। और एक जो अभी यहाँ पीडीएफ शेयर की गई थी पहले से जिसमें हृदय चक्र का निर्माण यानी उस पर दिया गया है, तो आप वो पढ़ेंगे आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। चलिए कोई प्रश्न है तो लेते हैं। हाँ भैया, जो आपने दाहिना घुटना बताया और ठ अक्षर, तो जैसे किसी दाहिने घुटने में प्रॉब्लम है तो ये किस गुण से संबंधित है?
जिसका आपका जप अच्छा करना हो। क्वेश्चन है। हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जब आप है ना अभी जो हमारे चॉइस अक्षर है ना उनके हिसाब से देखेंगे ना, तो कल एक दीदी ने प्रश्न किया, आप लोगों ने गौर नहीं किया। एक दीदी ने कहा मेरे दर्द है, पैरों में बहुत दर्द होता है, जब आचार्य जी आए थे तो आचार्य जी ने क्या बताया था, आपको याद होगा, सत्य गुण से जप करो, बोला कि नहीं है यहाँ कोई जी वो दीदी, इन्होंने कल प्रश्न पूछा था आचार्य से, एक पैर की प्रॉब्लम के लिए प्रश्न पूछा गया था। चलिए नहीं है। अच्छा अब आपकी बात कर लेते हैं, आपने जो पूछा है, अब है ना जो जो 51 जो हमारे अक्षर है ना, ये 51 अक्षर, उनमें सारे अक्षर है ना जो गायत्री के 24 अक्षरों से नहीं मेल खा रहे, मतलब वो नहीं है। तो जैसे अभी ठ का रहे, तो ये आपने बोला ठ, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपको छाट, अभी आपने प्रश्न पूछा, आप ही को अभी यहां से देख के को रिलेटेड कर लूंगा, मैं अभी आपको वो स्क्रीन दिखाऊंगा। ये आपने बोला ना ठ, अब देखिए ये ट ठ ठ, यही तो है ना ठ, यही तो है। और दक्ष जानो, दक्ष जानो किसको बोलते हैं बताइए, दक्ष जानो किसको बोलते हैं, दक्ष मतलब होता है दाहिना, एक होता है वाम, ऊपर देखिए ऊपर लिखा हुआ है वाम, वाम का मतलब होता है, मैं इसको बड़ा, ये देखिए ये ठ, एक होता है ये देखिए ऊपर में आइए, ऊपर लिखा हुआ है वाम और नीचे लिखा हुआ है दक्ष, वाम का मतलब होता है लेफ्ट, दक्ष का मतलब होता है राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जानू, जानू संस्कृत का शब्द है, आप अगर योग में पढ़े होंगे जानू, ये जानू नमन एक्सरसाइज होती है योग में, तो जानू नमन एक अभ्यास भी है, जानू घुटने को कहते हैं, तो दक्ष जानू मतलब दाहिना घुटना, दाहिना घुटना में कौन सा अक्षर है ठ, और ये देखिए उसका गुण है सहकारिता, जी, ठीक है ना। अब क्लियरिटी आ रही है भैया जी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, बट वो धीरे धीरे अक्षरों इधर से अब इधर वो इधर आपने इधर आपका दायां देखा ना, अब आप उसी में बायां देखिए, या आप इसमें चलिए इसका अभी हमने देखा ना ये ठ, तो अब आप देखेंगे ना, तो अगर उसकी अंगुली में प्रॉब्लम है ढ अंगुली है दक्ष अंगुली, तो अंगुली प्रॉब्लम है तो सादगी गुण काम करेगा वहां। उसी प्रकार से किसी के दक्ष उरुमुलंग टंग ट अक्षर है, यानी कि उसका जो ये हीप ज्वाइंट यानी आ जाता है, जिसको हीप से यानी शुरुआत होता है पैर के मूल में, उरुमूल यानी दक्ष उरुमूल का मतलब पैर के मूल की शुरुआत होनी, तो जब वो आता है तो संयम गुण का अभाव से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जितने भी अक्षर आपको दिए गए ना, मतलब जो आपको ये दिए गए अक्षर, इन सब के कारण बताए गए, ये अ क्या काम करता है, अ मृत्यु को जीतने वाला है, मृत्यु को जीतने वाला मतलब मृत्यु के भय, आप मृत्यु से हट जाते हैं, और ये जो ई है ये पुष्टि प्रदाता है, पुष्टि मतलब आपके अंदर अग्नि तत्व को बढ़ाता है, पुष्टि देता है, और इसी प्रकार से आ अक्षर आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, आ अक्षर का अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो शरीर में आकर्षण यानी खींचने की पावर आती है, तो ये सब चीजें ना जो दिए गए ना ये काम करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। सर, ये गुल्फ का मीनिंग क्या है? गुल्फ आपके जो नीचे एंगल है ना, एंकल, एंगल ज्वाइंट, उसको बोलते हैं। एंड देखिए सर मैं आपको अब देखो देखो मैं बताता हूँ, उरुमूल, उरुमूल का मतलब होता है, ये देखिए दक्ष का मतलब है दाहिना, उरुमूल का मतलब होता है आपकी जो आपका जो हीप का ज्वाइंट आ रहा है ना उसका स्थान, फिर उससे और नीचे आइए तो आ गया घुटना, हीप से नीचे आइए घुटना, फिर और उससे नीचे आइए तो अगला जॉइंट आता है आपका एंकर जॉइंट, और नीचे आइए तो फिर आपके जो अंगुलियों के आगे वाला भाग, अंगुलियां जहां शुरू होती है यानी कि शरीर की अंगुलियां बाहर निकलती है शरीर से, वो वाला जगह अंगुली मूल, अंगुली मूल का मतलब रूट, और फिर अंगुली अग्र यानी अंगुली का आगे वाला भाग जहां नाखून होता है, तो ये सारे अक्षर इस तरह से बनेंगे। क्लियर। कुपु खुर पर क्या होता है? खुर पर हाँ ये आप अब खुर हाँ पर अभी बता देते, अभी बताते, अभी बताते, ये आ रहा है दक्ष का गुण। अब ये देखिए ये क अक्षर है ना, ये अभी अभी जैसे मैंने पैर को बताया, अब आप एकदम पूरा ध्यान अपना हाथ पे दे,
दाहिना, दाहिना हाथ, तो दक्ष का मतलब दाहिना, दाहिने हाथ का क क मैंने आपको दिखाया था ना, ये हमारा आर्मपिट यानी हमारे कंधे का जो मूल जड़ है ना वहां, यानी हमारा शरीर की, हमारे शरीर में से हाथ जैसे बाहर निकलता है अलग होके, वो जो जगह रूट है ना वो क अक्षर है। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे आइए, नीचे आइए, टखना, उस टखने को कहते हैं कुरपुर। कुरपुर समझ है? कुर पर। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ख अक्षर। दीदी मेरी आवाज आ रही है? एल्बो, इज दैट द एल्बो? एग्जैक्टली, इट्स द एल्बो। एंड देन आगे जब आप आते हैं मणि, यानी ग अक्षर मणि, मणि का मतलब होता है ये आपका रिस्ट जॉइंट, रिस्ट आ गई। ओ और या फिर घ अक्षर है ये आपके अंगुलियों का मूल, यानी कि आपके जहां पे आपका पाम से आगे निकलते अंगुलियां बाहर निकलती है उसी जॉइंट को, बीच में वही जॉइंट के लिए। और अड़ अक्षर यानी कि जो आपके अंगुलियों का अग्रभाग यानी बाहर निकलती है। तो एक एक सेट जो ऊपर क वाला बना है ये दाहिना दक्ष आ गया। सेम ये कई चीजें, अब ये देखिए ये बाहु, ये बाहु मूल, तो ये भी बाहु मूल है लेकिन ये वाम है, ये लेफ्ट साइड का है, वो राइट साइड का है, ये कई लेफ्ट साइड का। तो ये क से लेके तक वो पहले वाले ने राइट साइड का हाथ है, ये च से लेके ये लेफ्ट साइड का हाथ है, और ये ट से लेके अ तक ये राइट साइड का पैर है, ये लेफ्ट साइड का पैर है। क्लियर हुआ दीदी? और ये जो प और फ है ना ये हमारे दोनों साइड में जहाँ किडनी की तरफ होते हैं पार्श्व भाग, यानी कि जो हमारे पेट के साइड में जो भाग है वो वाला, और ये पृष्ठ यानी हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, ब अक्षर रीढ़ की हड्डी का है, भ हमारे नाभि यानी हमारे नेवल का है, म हमारे उदर का, पेट का है, य हमारा हृदय अक्षर है, हृदय मतलब जो हमारा छाती है, र हमारा स्कंद, अभी हमने देखा था दो देखा थे, ल हमने देखा था, ल हमारा लेफ्ट साइड का कंधा और राइट साइड का कंधा, ये ल, और दक्ष माने दक्ष का मतलब राइट, स्कंद का मतलब हमारा, स्कंद को बोलते हैं शोल्डर, तो हमारा राइट साइड का शोल्डर, हमारे लेफ्ट साइड का शोल्डर, ये ग्रीवा यानी कि गर्दन यानी जिसको हम नेक बोल देते हैं, ये व अक्षर है। श क्या करता है? अब यहां से नर्वस सिस्टम शुरू होता है, जो हमारा हृदय, हृदय मतलब जो हमारी मेन हृदय, हृदय से एक सीधे रेखा बनती है यानी हृदय से निकल के हाथ से बनते बनते हाथ की एकदम अंगुली तक जा रही है, मतलब एक एक लाइन बनानी जो हृदय से शुरू होती है, वो राइट साइड के हृदय से शुरू होते हुए हमारे हृदय से निकलते हुए और पूरे राइट साइड के हाथ में आती है, तो ये पूरा एक हिस्सा होता है। इसी प्रकार के ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, ये लेफ्ट साइड से शुरू होता है, यदि हृदय से शुरू होता है और पूरा हृदय से आप ऊपर जाइए, कंधे से बाहर आ जाइए, फिर आपकी एल्बो आएगी, एल्बो को भी क्रॉस करते जाइए, फिर आपका रिस्ट जॉइंट है उसको भी क्रॉस करते, एकदम अंगुली का आगे भाग तक, तो एक एक तार बिछा देते हैं। क्लियर हुआ? फिर आ जाता है स और ह, ये देखिए स, ये ठीक हृदय से ये शुरू होता है, वो हाथों पे जा रहा था ये पैर में जाएगा, तो दाहिने साइड के पैर यदि हृदय से एक नीचे देखा ले जाएंगे, वो हृदय से सीधा नीचे के लिए चले जाते हैं, नर्वस सिस्टम एक तार बना रहे, उनको कनेक्शन बना के दिए, तो हृदय से निकालते हैं और नीचे जाते जाते वो घुटनों से होते होते और हमारा गुल्फ यानी कि एंकल जॉइंट से होते हुए हमारी एल्बो, ये एडी यानी कि हमारा जो हील है वहां से होते हुए बाहर, हमारे जो पैर की टॉयज यानी अंगुलियां हैं उससे बाहर तक कनेक्ट होता है ये सब। ये कौन सा स्थान है? दाहिना, राइट साइड। इसी प्रकार से ये ह है, ये लेफ्ट साइड को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर इसी से बन जाता है। फिर ये हमारा अड़ अक्षर है, ये हमारा नाभि से हृदय को कंट्रोल करता है, नाभि से हृदय जाता है, और इसी प्रकार से जो हमारा छ अक्षर है ये हृदय से मूर्धन्य, हृदय से मतलब हमारे हृदय से हमारे आज्ञा चक्र में लेके जाते हैं, छंकार, आज्ञा चक्र, शील, जागृत, जो आपने वहां पे बोला था आचार्य जी जब ध्यान कराते सामूहिक ध्यान में, तो हमारा हृदय से एक सीधी रेखा मूलाधार में, मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाए और आज्ञा चक्र में शील जागृत, तो ये शील जागृत इसलिए हुआ कि ये जो छंकार है ना ये हृदय से मूर्धन्य यहाँ जा रहा है और इसका गुण शील है, और ये इसमें जो स्टार लगे हैं ये गायत्री के 24 गुणों से संबंधित है, जिनमें स्टार नहीं लगे हुए ये गायत्री के 24 गुणों से संबंधित नहीं, ये अक्षरों के गुण है। अब आप देखिए ये शील है, ये गायत्री के 24 अक्षरों में आ रहे हैं,
ये सुचिता ये गायत्री के 24 अक्षर में आ रहा है, ये संतोष है गायत्री के 24 अक्षर में आता है, ये अक्षर है वहां बाकी। अब बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दीदी? जैसे भैया कुछ जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किसी गुण से संबंधित नहीं है, और मान लीजिए उस पार्ट में प्रॉब्लम है तो फिर कैसे जप करेंगे, किस चीज का जप करेंगे? ये आपको जब डिसाइड करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण से हुई है और उसका प्राण क्या है, वहां अंग में कौन सा अंग है। जैसे अब आप मुझे एग्जांपल तौर पर बताइए तो फिर मैं कोशिश करूँ। आप मान लीजिए किसी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। ठीक है, अब आप देखिए स्लिप डिस्क का कारण क्या हो सकता है, क्या तो या तो उसके जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है, अग्नि बढ़ रही है, वायु बढ़ रही है, वायु बढ़ रही है पेट में गैस बनती है तो पेट पे दबाव बनता है। आप देखिएगा जिन लोगों की गैस बनती है उन लोगों को भी ये दिक्कत होती है, तो अगर उसको अग्नि से ठीक कर दिया जाए तो भी उसको लाभ, अग्नि बढ़ा दिया जाए तो पेट की गैस ठीक हो जाती है, पेट से जो दबाव बढ़ रहा है उससे वो कमर दर्द होती है, क्योंकि पेट की खुद की कोई मांसपेशी नहीं है लेकिन पूरा पेट का डाइजेस्ट सिस्टम है ना रीढ़ की हड्डी से चिपका रहता है, तो ये आपको देखना पड़ता है कि अग्नि तत्व को बढ़ा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। अब अग्नि तत्व में भी अगर आप देखेंगे तो ये जैसे र बीज अक्षर को बढ़ा देंगे ये अग्नि दाह उत्पन्न करने वाला आस्तिकता गुण है, आस्तिकता से अग्नि बढ़ जाएगी, एक ये काम करता है। एक और भी काम करता है जिसमें हम लोग बोलते हैं स्वावलंबन गुण, स्वावलंबन गुण यहाँ अपने दीजिएगा, वो उसका बीज अक्षर जो है ना वो ल बीज अक्षर है, ये ल ना ये तो ये ल नीचे मूलाधार में जाता है तो सारे मूलाधार की चीजों को ठीक करता है। ये बेसिकली क्या है उसकी जो कमर दर्द का मतलब क्या है, सारा खेल प्राण का है, प्राण ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ता है, वो प्राण बाधित हो गया है, बाधित का मतलब रुक गया है, रुक गया है तो दबाव बना रहे, जैसे जोर लगा रहे, जोर लगा रहे तो दर्द हो रहे हैं। अगर प्राण प्रवाहित होता रहेगा कंटिन्यू चलेगा कोई दर्द भी होगा, दर्द इसलिए हो रहा है वो रुक गया है, वहां इकट्ठा हो गया है, वहां उलझ गया है, हमारी बात समझ में, तो उससे उससे उसे धक्का देके आगे निकाला जाता है। जैसे एक्यूप्रेशर में क्या होता है, एक्यूप्रेशर में ये तो होता है प्राण चल रहा है आप उसके उसको एक्यूपंच कर दीजिए, एक्यूप्रेशर कर दीजिए ताकि उस ऊर्जा को आगे बढ़े, तो शरीर में प्राण का चैनल है वो प्राण वहां नहीं पहुंच रहा है तो फिर हम उसको धक्का देकर उधर के अंगों से आगे बढ़ा। और अगर आपका कमर अगर अगर उसको बीज अक्षर की बात करें तो ये ब बीज अक्षर होता है, ब बीज अक्षर क्या काम करता है, ये पृष्ठ यानी कि कमर के रीढ़ की हड्डी को ठीक करता है और ये समस्त दोषों को हरने वाला, पर ये काम सब तभी काम करेगा जब एक आचार्य जो इनको जानता है उनसे पूछ, क्योंकि ये प्राण है, आपके कहने से वो काम नहीं करेगा, जो इस पे काम कर चुके आप या तो काम करिए खूब खूब जप कर लीजिए फिर आप किसी को कहेंगे तो वो काम करेगा, ये इसका विज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर वो एनर्जी को बना लेगा उसकी पहले खुद की एनर्जी बनी है तो वो समझ में आएगी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे अगर ये कहा जाए, अगर कुछ साल पहले जब मैंने इसको नहीं समझा, अब मुझे सब समझा दीजिए फिर भी मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं थी, इन्हीं को कर करके समझ समझ के अब वो एनर्जी आ गई तब हम आपको बोल पा रहे, तब आप मान रहे कि हाँ है, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज है वो भी सकता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं अभी इस पोजिशन पे। वो कारण ये कि जब आप इसे करेंगे ना तब ये विश्वास होगा, इसलिए क्या करना चाहिए आप इसका समझ दीजिए, पर जिसे भी रोग है ना उसके लिए आचार्य जी को मैसेज करिए, आचार्य जी ये बात है आपको मैं बताता हूँ, आपका भी कोई रोग होता है तो मैं डायरेक्टली कोई भी सजेशन नहीं देता हूँ, मैं एक मैसेज करता हूँ इनका रोग है और ये प्रॉब्लम है क्या ये दिया जा सकता है मेरे सुझाव में, वो कहते हैं हाँ तो हम बता देते, वो कहते नहीं ये नहीं ये हो वो बता देते, तो हम सीख भी जाते हैं और उनकी अनुमति भी मिल जाती है। सारी बात आपको समझ जी भैया, बिना पूछे नहीं करना, मैं मेरे व्यक्तिगत कोई भी जप करूंगा ना, मेरे खुद की कोई प्रॉब्लम है चलो आज ये कर लो, नहीं एक बार आचार्य से पूछ कर जप करना है, क्यों उसका विज्ञान है, ये चीजें तो काम करती है लेकिन किसी के मार्गदर्शन में कहने से उसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है, एक आप अपने मर्जी से करेंगे और एक आप कोई कहा गया, जैसे कई बार आचार्य जी अब मैं बता दें ये कर लो, अब हम अगर हम उस समय कर लेते हैं तो वो इतना आराम से होता है मानिएगा, अब मैं मेरी मर्जी से करना चाह रहा हूं जो उन्होंने नहीं कहा वो मुश्किल होती है, वो किसी का बल भी लगता है, इसीलिए तो ये विज्ञान ना बिना गुरु के नहीं गाता, बिना गुरु मतलब बिना आचार्य, जिसने इस पे सिद्धि नहीं की उससे ये काम नहीं करता, लेकिन ये काम करता है तो ठीक है आप उस पर कमांड करिए ना,
वो तो ये तो आचार्य चाहते हैं कि इस विधा को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की मूल धारा है, ये विज्ञान ऋषियों के हाथ ही नहीं लगा, मतलब ये शरीर के वैज्ञानिकों के हाथ ही नहीं लगा साइंस के, और ये काम करता है, तो इसको समझ के करना पड़ेगा, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं ये बता सकता हूँ जो मुझे मैंने देखा था सब, जब मैं 2000 सन 2000 के आसपास की बात है, तब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ये कहा कि मैं योग में जाऊंगा, तो मुझे 2004 और 5 में योग विज्ञान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, क्यों मुझे पता था योग का फील्ड आगे आने वाला है। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाला जो फील्ड है वो मंत्र, क्योंकि मंत्र वैज्ञानिक है, मंत्र सटीक है, पूरी दुनिया में बीमारियां बढ़ रही है, योग से बहुत सारी बीमारियां ठीक भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि बीमारी का मूल कारण है ना वो फिजिकली एक्सरसाइज या खाने पीने की वजह से नहीं है, ये बीमारी का कारण मानसिक तनाव से, मानसिक रोग है, साइकोसोमेटिक है, और साइकोसोमेटिक कारण से हमें वो उसकी ऊर्जा को ठीक करने के लिए गुणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो गुण जाके वहां काम करेगा। अब गुण कारण शरीर में जाके काम कर रहा है, गुणों से कारण शरीर ठीक हो रहा है, लेकिन लाभ तो अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो भैया कुछ दिन तुम इस पे काम कर लो, तुम्हारा तुरंत लाभ मिल गया, बीमारी ठीक हो गई, अब वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म करनी है तो फिर तुम गुणों पे आ जाओ। तो क्या करते हैं आचार्य जी, कोई ज्यादा बीमारी है चलो इस गुण इस अक्षर का जप कर लो, मतलब उसको बीज अक्षर का जप करने की विधि बताते हैं, वो उस अक्षर का जप कर लेता है तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे छोड़ेगा वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका कारण ठीक नहीं हुआ, कारण का मतलब जहां उसका रूट है वहां जाके बीमारी नहीं ठीक, वो बीमारी क्या आती है उसका अवगुण गुणों पे नहीं है, ये क्या करता है इंजेक्शन के तरह तुरंत काम कर जाएगा, तो ये काम किया एक बार रिलीफ हुआ, एक बार ठीक हुआ, उसकी आस्था बनी, बैठने की स्थिति बनी, मानसिक तनाव दूर हुआ, अब तुम अपने गुणों का जप करके अनुष्ठान करके उसको परमानेंटली ठीक कर दो, यानी एक ऐसी चीज है जो तुरंत प्रभाव डालती है और तुरंत हट जाती है, कभी भी ध्यान रखिएगा जो तुरंत प्रभाव डालेगी उसका तुरंत हट भी जाएगी, और जो धीरे धीरे प्रभाव डालती है लंबे समय डालती है, तो जो गुणों से 24 अक्षरों के जप करे थे ना गायत्री का, वो लंबे समय में जाके काम करेंगे और 100% करेंगे, ये वो है जिनको हम हथियार काम में लेते हैं, तुरंत जरूरत पड़ी तुरंत काम। सर, एक बहुत मिस्टिक चीज है, ये जो आपने बताया ना, हृदय से वाम हस्त, षटकोण वाला शव, तो वो उसका जो कलर है वाइट, रेडियंट कलर है, ब्राइट वाइट। एंड सर, एक्चुअली आई टेल यू नाउ, मेरे हस्बैंड का डिसेंडिंग एओर्टा पूरा डाइसेक्ट हो गया था, या एंड द रीजन इज अननोन, बट ऑफ कोर्स दे रिपेयर्ड इट। एंड फॉर सम टाइम ही स्टार्टेड लाइकिंग ओनली वाइट, ही वॉज वेयरिंग ओनली वाइट शर्ट। सी नाउ दिस आई थिंक इज वेरी मिस्टेक, बिकॉज ही वॉज गोइंग इन टू दिस डिजीज, ही स्टार्टेड लाइकिंग वाइट कलर। आई मीन आई डोंट नो वेदर आई कैन पुट दीज टू टूगेदर। मतलब देखिए कलर का इतना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कलर से ही प्रभावित करेगा, वो उसके कोई भी व्यक्ति का कर्म है ना, वो पूर्व जन्म का है, वो उसके शरीर से चिपका है, जैसे ही कालखंड में प्रकृति का वो प्रभाव आएगा, जो जो घड़ी आएगी उसका वो नक्षत्र आएगा, वो नक्षत्र आएगा तो वो उसे जाकर ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करते ही वो गड़बड़ करनी शुरू करेगी। हमारे में सुने सामान्य वो बीमारी है प्रॉब्लम है, वो इनएक्टिव मोड में पड़ी है, लेकिन जैसे उसका कालखंड आएगा, जैसे हम लोग अभी अभी हम व्यवस्था गुण का जप कर रहे हैं, तो अगला गुण दूसरा आएगा उसका कालखंड आएगा, तो हम उसका जप करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जितने भी अक्षर है ना, देखिए आप कभी भी ज्योतिष के पास जाइए, आपके घर में बच्चा होता है तो आप क्या करते हैं, भैया बच्चे का नामकरण क्या करना है बताओ, तो वो अपने जन्म कुंडली वो खोलता है, अपनी पंचांग खोलता है, देखता है कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का मतलब नक्षत्र जिसका कभी क्षरण ना हो, नक मतलब किसी जब किसी का क्षरण ना हो, तो वो क्या होता है वो अक्षर होता है, अक्षर कभी क्षरित नहीं होता, ये जो अक्षर है ना ये कभी खत्म नहीं होगी, तो वो देखता है कि ये कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के जन्म वाले व्यक्ति के बच्चे का नाम का पहला अक्षर क्या होगा, वो उन अक्षरों को हमें बताता है, इन अक्षरों का जप करिए, इसका मतलब इस जप करिए मतलब इसका नामकरण करिए, ये इस व्यक्ति का ये इस नाम से हो सकता, तो ये नाम का संबंध उस नक्षत्र से है, इसका मतलब है जब प्रॉब्लम आपके आई तो
तो उस समय कौन सा नक्षत्र था, वो उसका प्रभाव पड़ा, वो उसके उससे काम किया। अब वो उसी समय उनकी इच्छा हुई कि मैं शर्ट पहनूं तो वो अलग बात, ठीक है ना। आचार्य जी, जैसे स्किन प्रॉब्लम है तो वो पूरे बॉडी में रहता है। मैं आचार्य नहीं हूँ, सॉरी भैया सॉरी बोलिए। भैया। जी 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 ठीक है, जी भैया, जैसे स्किन प्रॉब्लम है तो वो पूरी बॉडी में रहती है, तो हम कैसे मतलब लगाएं कि किस अक्षर से हम जप करें तो मतलब दे दिया ना इफेक्ट पड़े। संयम। संयम जो है ना, संयम गुण है ना, आप देखिए ना, तो 24 अक्षरों के जब हमने चार्ट दिया है आपको, अक्षर जो आपको चार्ट बना के जिसमें ये दिया है, तो संयम गुण है वो स्किन की प्रॉब्लम का है। दिखा तो आपका भूल गए होंगे, 24 गुणों को लेके चलते हैं अभी, पहले उसी पे बात करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। वो इजी है, वो आसान है और आप कर भी सकते हैं। तो जो 24 गुणों वाला जो चीजें ना, उनके अंदर है ना स्किन प्रॉब्लम किया हुआ है। संयम गुण देख लीजिए, संयम गुण जहां भी आपको मिल जाएगा, संयम स्किन के प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। जी ठीक जी है, जी आज की इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। जो ज्ञान विज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमारे चित्त में स्थिर हो, उसके लिए हम परम शक्ति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या हम इन चीजों को समझ रहे, ये सब हमारे चित्त में स्थिर होता जाए, स्थिर होता जाए, ताकि हम आगे जाके इस पे काम कर पाए। तो उसी के लिए हम चाहें तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, मर्सिदी करें। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। ये परमात्मा आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान प्रकट करें, मैं पूर्व से ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, मेरा स्वाध्याय सतत चलता है, मैं सदैव वित्त और सत्य बोलूं। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता आचार्य की रक्षा करे, त्रिवृत्त आप शांत हो, शांत हो, शांत हो। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वरिष्ट शांति भवतु। हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम सश्री स्वच्छ मनोज भावनाओं के साथ गुण कौन सा व्यक्ति ने प्रमाण मान के कार्य को सुचे निर्म निर्गत पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ संबद्ध होकर निर्गुण रूप से करते कराते रहे, ऐसे तो हमें सही समय प्रेरणा मांगते संरक्षण परमा जी उनकी सतत कृपा बनाने के सतत कृपा बनाने। ओम शांति। आज की कक्षा की समाप्ति।